हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बोर्ड लेकर आया हूँ जो कि सेलकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग क्या, मैं इसको लाके मैं खोल ही चुका था, पहले देख ही चुका था। ये वाला बोर्ड है, डब्बे को फेंकते हैं दूसरी साइड और इसको बाहर निकालते हैं। इसमें सारे कनेक्शन लगभग आपको मिल ही जाते हैं। यहाँ पर दो पावर सप्लाई हैं, एक 12-0-12 और आप एक 30-0-30 दे सकते हैं। सप्लाई इनबिल्ट है और पोटेंशियोमीटर भी हैं इसमें, जो कि साथ में नहीं आए थे इसके। मैंने अलग से पोटेंशियोमीटर लगाया इसमें। और जो ट्रांजिस्टर हैं वो इसमें लिखा हुआ तो शिबा ही है, मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल हैं या लोकल हैं। देख रहे हैं आप सब लोग, TTC 5200 और TTA 1943 1943 एंड ओवरऑल बोर्ड देखने में तो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ही लग रही है। स्पीकर के कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने विद सॉकेट, और बाकी वॉल्यूम है बेस एंड ट्रेबल। कंपोनेंट्स की क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है। कैल्ट्रॉन वगैरह के कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर मुझे लोकल लग रहे हैं, मतलब क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी नहीं लग रही। 5600 माइक्रोफेरेड एंड 50 वोल्ट्स में है ये। एक चीज़ इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें हमें फ़ैन वगैरह के लिए आउटपुट मिल जाती है 12 वोल्ट यहाँ पे, एंड 5 वोल्ट्स की सप्लाई भी हम ले सकते हैं इस आईसी से। तो इनबिल्ट इसमें बेस ट्रेबल भी है यहाँ पे, LM 324N आईसी बेस्ड है इसका बेस ट्रेबल। तो साउंड टेस्टिंग करेंगे फटाफट, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं साउंड क्वालिटी क्या है। मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है 30-0-30 5 एम्पियर्स में है। अभी हम इसको, दो स्पीकर भी हैं मेरे पास, उनको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसकी साउंड टेस्ट करके देखते हैं। एक मॉड्यूल है मेरे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये वाला हम लगा के देखेंगे इसमें, और स्पीकर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन से वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने स्पीकर्स के वायर जोड़ दिए। मेरे पास दो वूफर हैं, ये 8 इंच एंड ये भी 8 इंच का है, एंड जो इसकी पावर है वो 100 वॉट ईच RMS पावर है। यहाँ पे मैंने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो ऑक्स से कनेक्ट कर रखा है अपने PC से यहाँ पे, और जो मैं इसको DC करंट दे रहा हूँ 5 वोल्ट्स का, वो भी मैंने यहाँ पे अपने CPU से दे रखा है। यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर इसमें लगा रखा है 30-0-30 5 एम्पियर। कंप्यूटर पे मैंने अपने NCS का एक सॉन्ग लगा रखा है, तो आइए इसको प्ले करके देखते हैं इसकी साउंड कैसी है। प्ले करते हैं।
बेस अच्छी है, ट्रेबल भी ठीक ही ठाक है। अभी न्यू बोर्ड है तो मैं भी फर्स्ट टाइम इसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। कुछ दिन यूज़ करूँगा तब मुझे भी पता चलेगा एक्चुअल में इसकी साउंड क्या है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तो मुझे लग रहा है कि इसमें इसकी साउंड ठीक है, बेस भी काफ़ी सही दे रहा है और वॉल्यूम तो मैंने बहुत कम कर रखा है, काफ़ी लाउड है। अगर मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया तो ये स्पीकर जो है वो जो है रुकेंगे नहीं, या तो अपनी जगह से गिर जाएंगे या फिर पड़ जाएंगे। जगह से हिल रहे हैं, काफी सही पंच लग रहा है इसका। दोस्तों कुछ दिन यूज करने के बाद मैं फिर इसका एक और छोटा सा रिव्यू डालूंगा शॉर्ट में, एक्चुअल में ये है कैसा। यह हम एक आधी म्यूज़िक इसमें और सुनते हैं, कुछ डिफरेंट म्यूज़िक। कॉपीराइट की वजह से मैं इसमें हिंदी म्यूज़िक या बॉलीवुड का कोई सॉन्ग चला नहीं रहा हूँ, तो NCS का कोई सॉन्ग बजाते हैं अभी। तो दोस्तों साउंड के मामले में मुझे अभी सही लग रहा है, बेस अच्छी है, बहुत लाउड है। मेरे ख्याल से 15 या 20% वॉल्यूम था ये, और आगे मैं इसके इनक्लोज़र बनाऊंगा, इनक्लोज़र में लगा के फिर ट्यूटर के साथ हम लोग देखेंगे इसकी साउंड। तो एक बार कंप्लीट साउंड टेस्ट बाद में करेंगे जब एक इनक्लोज़र के अंदर ये बॉक्सेस के अंदर लगेंगे इस वूफर्स, तो इनकी साउंड अच्छी आएगी। तो आई थिंक 1100-1100 की रेंज में मुझे लग रहा है कि ये ठीक ही है। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर देना अगर टाइम मिले तो। चलो ठीक है, बाय।